अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक दो फिर से मजेदार किस्म का वीडियो लेके हम दोनों ही आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो मेरा नाम उसाम है, दिस इज उमर, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तरकार रिएक्शन। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है और बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। उमर भाई आज हम क्या देखने के लिए जा रहे हैं? इंटरेस्टिंग वीडियो जी, हमने बहुत से विलेजेस ऐसे देखे इंडिया के जिसपे हमने रिएक्शन भी किया है। एक हमने वीडियो की थी नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के दरमियान एक विलेज है, उसकी हमने जो वीडियो देखी थी हमें बड़ी पसंद आई थी और बड़ा अच्छा लगा था वो वीडियो देख के। और इसी तरह का एक और कुछ वीडियो है जी, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया इन हिमाचल प्रदेश। तो देखते हैं यार के हिमाचल प्रदेश में जो है वो ऐसा कौन सा विलेज है जो लास्ट है इंडिया का विलेज। अच्छा वो लास्ट है, लास्ट विलेज है कोई, मतलब टाइटल से तो यही है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो देखते हैं इंडिया का कौन सा ऐसा विलेज है जो लास्ट है और उसके बाद दूसरी कंट्री शुरू हो जाए, मे बी कुछ ऐसा होगा। फिर देखते हैं क्या है, वीडियो जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। वीडियो पे जाने से पहले चैनल को लाइक करो, शेयर करो और ढेर सारा सब्सक्राइब करो ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो, हेवी गो। हिमाचल के किन्नौर में आने वाली ये वैली इतनी दूर और रिमोट है कि इन पहाड़ों में आते आते आप इंडिया के एंड पर आ जाते हो। शिमला से 250 किलोमीटर दूर और हिमाचल की सबसे ब्यूटीफुल वैलीज में से एक ये है सांगला वैली। और इसी वैली में हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर तिब्बत के शुरू होने से पहले है इंडिया का लास्ट विलेज चिटकुल। चिटकुल कितनी पुरसकून जगह लग रही है और पहाड़ों 11,000 फीट की हाइट पर इंडिया के इस छोर तक आते आते आप सिर्फ लास्ट विलेज में नहीं बल्कि इंडिया की सबसे साफ हवा में भी होते हैं। आईआईटी दिल्ली की रिसर्च में पता चला कि इंडिया की बेस्ट एयर क्वालिटी चिटकुल में ही है, जो दिल्ली की एयर क्वालिटी से 30 गुना ज़्यादा बेटर है। और यहाँ की साफ हवा की वजह सिर्फ यहाँ की ये रिमोटनेस ही नहीं बल्कि इस वैली को खूबसूरत और हवा को साफ बनाने में सबसे बड़ा रोल है यहाँ के इन ब्यूटीफुल फॉरेस्ट का। जंगल है ना, तो जब जंगल यहाँ पे होता है वहाँ पे मौसम अलग ही होता है। पाइन और देवदार के ये फॉरेस्ट इस जगह में एक अलग ही जान डाल देते हैं, एक अलग ही दुनिया लग रही है देखने से, बड़ा जबरदस्त बिल्कुल पीसफुल प्लेस। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन पेड़ों का इस गांव को बसाने में भी बहुत बड़ा रोल है। 800 लोगों की पॉपुलेशन वाले इस विलेज में आपको ज्यादातर घर इन्हीं पेड़ों की लकड़ी के बने मिलेंगे। ये देख रहे हो पुराना घर है लकड़ी का, पर टेक्नोलॉजी का पूरा यूज है। यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, डिश लगा हुआ है। और दूसरी मतलब जैसे अभी मैं चिटकुल में हूँ तो चिटकुल में काफ़ी ज़्यादा पेड़ है और ठंड भी ऑब्वियसली यहाँ पे भी खूब ज़्यादा होती है, तो इसलिए लोगों ने लकड़ी के घर बनाए, जबकि दूसरी साइड या फिर स्पीति साइड देखते हैं तो वहाँ पे मड के एक घर होते हैं, बट यहाँ पे लकड़ी के घर है, जहाँ जो चीज़ अवेलेबल है उसका पूरा यूज़ होता है। लकड़ी की दीवारें और स्लेट की रूफ, बस ऐसे ही इस विलेज का हर घर बना हुआ है, जिसमें से एक बहुत ही यूनिक और पुरानी सी दिखने वाली ये हट आपको हर घर में मिल जाएगी। और जब मैंने ये हट हर जगह ही देखी तो मेरे मन में भी ये सवाल आया कि ये है क्या। बहुत पुरानी लकड़ी है कोई। जी आप भी बताएंगे कि ये जो लकड़ी से बने हुए हैं क्या चीज़ है? क्या है? स्टोर है, मतलब उसमें क्या स्टोर? राशन पानी लगाते हैं। अच्छा, और ये गाय का चारा ले जा रहे हैं आप? गाय का चारा। अच्छा अच्छा, इतना भारी है? नहीं, कितने किलो है? 5-10 किलो। कहाँ तक ले जा रहे हो? भी मेहनत है ये भी। घर किधर है? ऊपर ऊपर है। अच्छा,
जी ये चारा भी इसमें ही रखते हैं क्या आप? ये जो है इसमें ही रखते हैं चारा, ये जो घर हट है? अच्छा अच्छा, स्टॉक करके रखते हैं। किस लकड़ी का बना हुआ जी? हाँ जी किसका? कायल 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 कहाँ है? यहाँ उगता है चीड़ का लकड़ी ही अलग है। इन पुरानी लकड़ी से बनी बिल्डिंग्स में जो सबसे खूबसूरत है वो है ये चिटकुल फोर्ट। जो इस पूरे विलेज के बीच शान से खड़ा हुआ है। एक और चीज जो पुरानी होकर भी इस गांव का एक अहम हिस्सा है वो है ये घराट। बाहर से ये मामूली से दिखने वाली हट अंदर से बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है। तो ये है पुराना चक्की पीसने का स्टाइल, चक्की पीसने का या सॉरी आटा पीसने का। तो यहाँ पे ये नेचुरल चक्की है और यहाँ पे आटा जो पिस रहा है ना इसे कोई चला नहीं रहा है, ये अपने आप चल रहा है पानी के फ्लो के थ्रू। अच्छा, आटा पीसने के इस तरीके को कहते हैं वाटर मिल। पहाड़ों से आते ग्लेशियर के पानी को इन्होंने ऐसे डाइवर्ट किया हुआ है कि ये इस टर्बाइन पर गिरे, जिससे ये प्रेशर से गिरता पानी इस टर्बाइन को जोर से घुमाता है। और टर्बाइन से ही अटैच अंदर एक पत्थर है जो टर्बाइन के साथ साथ घूमता है। और इस कॉन की शेप के कंटेनर में है गेहूं, जो इसकी शेप की वजह से धीरे धीरे इस पत्थर के बीच में गिरता रहता है, जैसे एक आर ग्लास में रेत गिरती है। बस ऐसे ही ये चक्की चलती रहती है और आटा पिसता रहता है। और पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर भी यहीं के लकड़ी और पत्थर से ही बना है। ना इसका बिल आता ना इसके पैसे लगते, बस एक बार ही बनाया और इतना सही तरीका है। अब इस इनोवेशन को देखकर समझ नहीं आ रहा कि इस तरीके को पुराना कहूँ या नया। नमस्ते। नमस्ते। कितनी उम्र है कितनी उम्र है दादी आपकी? 90 90 सालों से चिटकुल में ही है जी? 90 सालों से चिटकुल में ही हो? हिंदी नहीं आती आपको? हिंदी आती है? हिंदी नहीं आता। नहीं अनपढ़ क्या हिंदी आएगा? पढ़ाई थोड़ी ना चाहिए हिंदी आने के लिए। अच्छी खासी हिंदी बोल रहे हैं आप तो। अच्छी हिंदी बोल रहे हो। कहाँ रहते? यही रहते। अच्छा जी, अभी ग्रीनरी और लाइफ से भरा हुआ ये विलेज विंटर्स में पूरा बदल जाता है, क्योंकि यहाँ आने का जो अकेला रोड है वो कई फीट गहरी स्नो से ब्लॉक हो जाता है और ये विलेज कई महीनों के लिए पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसी वजह से गांव के ज़्यादातर लोग भी अपने घरों से नीचे के विलेजेस में शिफ्ट हो जाते हैं और उन्हीं कुछ नीचे के विलेजेस में से एक विलेज चिटकुल से बस 10 किलोमीटर नीचे है। सांगला वैली के इस ब्यूटीफुल विलेज का नाम है रक्षम। बासपा रिवर के साथ में लोकेटेड रक्षम विलेज बासपा वैली के नाम से भी फेमस है, जिसमें रिवर के एक साइड है रक्षम विलेज और एक साइड है ये दूर दूर तक फैले खूबसूरत खेत। बादल भी नीचे आए हैं। और वैली की इन दोनों साइड को जोड़ता है ये रक्षम ब्रिज। आयरन का ये ब्रिज कुछ साल पहले ही यहाँ बना है।
क्योंकि इसके साइड में जो ये पुरानी केबल्स और झूला है, इस ब्रिज के बनने से पहले रिवर क्रॉस करने का यही एक तरीका था। और इस ब्रिज पर खड़े होते ही आप बासपा रिवर की असली पावर को फील कर पाते हो। साल के ज़्यादातर टाइम यह रिवर शांत और क्रिस्टल क्लियर पानी की होती है, बट अभी मॉनसून के फर्स्ट वीक में ही ये अपनी फुल पावर में है। तो अभी मैं हूँ रक्षम में। रक्षम भी मतलब किन्नौर का एक छोटा सा विलेज है और ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और एकदम वही पूरा बीच में रिवर फ्लो हो रही है, साइड में देवदार के ट्रीज हैं, फार्म लैंड पूरा एकदम जैसे आप एक अच्छी जगह इमेजिन कर सकते हैं, एकदम वैसी है। ये नेचुरल में कितना खूबसूरत मजा आता है इस तरह की ना लाइव देखने का। ज्यादा करके ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ही कम लोग हैं, छोटी दो चार दुकानें हैं और बस छोटा सा ही विलेज है। बहुत ही थोड़े थोड़े गैप पे कुछ कुछ घर हैं, होम स्टे टाइप से हैं कुछ, बस थोड़ा सा मतलब बहुत ही कम, कहीं कहीं आइसोलेटेड है और पॉपुलेशन तो कैसे हो गया, छोटा सा विलेज है मतलब काफ़ी ज़्यादा, बट बहुत सुंदर है यार। मतलब जो मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे जो लग रहा है ना, ये जो शार्प एजेस वाले माउंटेन्स है ना, एकदम ऐसे 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 एजेस वाले माउंटेन्स हैं, मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही यूनिक है मतलब ये वाले माउंटेन्स। जैसे यार हर जगह नहीं दिखते, ग्रीनरी भी अच्छी आई थी और माउंटेन्स भी इतने ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे अच्छे तो यही वाले लग रहे हैं मुझे, ये जो दिख रहे हैं ना पीक्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब जो वीडियो स्टार्ट हुई है ना, मेरी सारी साइड इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। किस चीज की खेती कर रहे जी? ये आलू होते हैं, मटर हो गया, फावड़ा हो गया, राजमा वगैरह, राजमा होता है। तो आलू कहाँ है, राजमा कहाँ है? आलू है जो आलू में लगा देखो पत्थर के पास। हाँ, अच्छा ये वाले तो पीले वाले फूल वाले तो सरसों है, ये नहीं है, घास है, सरसों नहीं है, सरसों नहीं है, होता तो ऐसे होता है पीले टाइप का ना, वो भी यहाँ नहीं बीजते। अच्छा अच्छा। इन खूबसूरत खेतों को बनाने के अलावा यहाँ के लोगों के पास एक और टैलेंट भी है। ये क्या चीज़ है? क्या है? ये रस्सी बंधा है, रस्सी बकरी का बाल है। बकरी का बाल? अरे वाह, क्या करेंगे फिर रस्सी से? रस्सी ऐसे घास पत्ती लाने के लिए, कोई बोझा उठाना है। अच्छा मजबूत रहती है। ये वही वाली भेड़ है जिससे वो गर्मी के वो सर्दी के कपड़े बनते हैं? नहीं नहीं, तो बकरा दूसरा होता है, मिड्डा, मिड्डा दूसरा। अच्छा बकरा में भेड़ नहीं, नहीं। अच्छा इतने लंबे बाल है बकरे के? इससे भी लंबे होते हैं। अच्छा जी, बड़े बड़े ऊँचा बनाना पड़ता है ना। सही है, हर चीज़ का यूज़ कर लेते हैं, बढ़िया है। तो नेचर ने इस जगह को जो भी कुछ दिया है, इन लोगों ने उन सब से कुछ ना कुछ बना ही लिया है, चाहे वो पेड़ से घर बनाना हो, पानी से चक्की चलाना हो, या इन बालों से रस्सी बनाना हो।
इतनी रिमोटनेस और कम फैसिलिटीज में भी नेचर के साथ मिलकर इन विलेजेस ने जीने का तरीका ढूंढ लिया है। शायद नेचर से जुड़कर रहने की वजह से ही इन लोगों की यह मुश्किल से दिखने वाली लाइफ भी आसान है, और हमारे शहरों की आसान से दिखने वाली लाइफ भी मुश्किल। मजा आ गया यार, मजा आ गया। मतलब वीडियो फुल एक डॉक्यूमेंट्री थी, और ऐसा विलेज, ऐसे सीन्स फर्स्ट टाइम इंडिया के देखे हैं, और क्या ही बात है यार, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। नेचुरल ब्यूटी है, दिस इज नेचुरल ब्यूटी यार, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, इतनी खूबसूरती, एक एक चीज जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन करके दिखाई है, एक एक मोमेंट उसका दिखाया है, जिस तरह के माउंटेन्स उन्होंने दिखाए थे, खूबसूरत किस्म के बादलों के बीच में छुपे हुए, मतलब के कुदरत का आप मौजजा देखें, करिश्मा देखें कि कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। और वाकई ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों के बीच में चंद घर हैं, उधर लोगों ने अपनी ही दुनिया बसाई हुई है, अपने तरीके से रह रहे हैं, अपना ही सब कुछ कर रहे हैं, कोई शोर शराबा कुछ नहीं है। अच्छा मतलब अगर इस तरह कोई बंदा वहाँ पे घूमने जा रहा, कोई होटलिंग कोई चीजें नहीं है वहाँ पे रहने के लिए, लग नहीं रहा था वहाँ पे, मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अगर होता तो वो बताते। हाँ, कोई ऐसी चीज नहीं है, होटल वगैरह है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना कोई कबीला है अपना समझ के वहाँ पे सब रह रहा है, मतलब इस तरह बनाया हुआ है। लेकिन बहुत कमाल की जगह थी, इतनी पुरसकून, और जिस तरीके से सीन्स थे ना, वो कुदरत के जो नजारे थे ना, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा। वीडियो के अंदर से जो आवाज आ रही थी ना हवा की, वो बहुत लाइव में कैसी होगी, बिल्कुल कि आप सुकून से बैठे हो और आपको हवा आ रही हो, मैं कहता हूँ ऐसे जैसे जैसे हम लोग खो ही गए थे उसके अंदर। बहुत जबरदस्त, मजा आया, बहुत जबरदस्त जगह है यार। मैं कहता हूँ मैंने इंडिया की इस तरह की कोई फर्स्ट टाइम ऐसी जगह देखी है जो इतनी, ऐसा लग रहा था उम्र भी उससे आगे खत्म ही है, एंड था, पहाड़ थे ऐसे बने हुए जैसे खत्म आ गए। जबरदस्त, मजा आ गया। चिटकुल नाम था ना, और सांगला चिटकुल, और एक और नाम था वो जो बीच में दरिया था और उसके उस तरफ थी, वो भी बड़ी जबरदस्त, मजा आया यार, मुझे तो मजा आया यार वीडियो देख के। उम्मीद है कि आपको भी मजा आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, लाजमी करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें यार। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।